वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्ग बच्चा पढ़ी मिले टीवी फीचर्स बात किताब सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं हूँ फिलहाल नालापाड़ा में। इस पीछे जो आप देख रहे हो ये है यामाहा का शोरूम। और यहाँ पे आया था क्योंकि कुछ दिन पहले फेसबुक में जैसे मैं स्वाइप कर रहा था, ब्राउजिंग कर रहा था, तब देखा मैंने कि 6 न्यू बाइक्स लॉन्च करने वाले हैं यामाहा वाले, तो उसी के चलते मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी आके पता चला कि जो बाइक्स लॉन्च होने वाला है वो है उस तरफ, तो 6 नए बाइक लॉन्च होने वाले थे आज। एक्चुअली दिस 6 बाइक्स आर नॉट न्यू, ये पुराने बाइक ही है, लेकिन ABS का सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, अभी ये वर्जन 3 कहला रहा है। जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो आप, यहाँ पे है यामाहा फेजर, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही घटिया लगता है लुक्स के मामले में। बाकी इंजन वगैरह काफी अच्छा है, लेकिन इसका प्रीवियस मॉडल जो था, यानी कि जो मेरा बाइक था यामाहा फेजर 2010 मॉडल, वो बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद यहाँ पे है FZ 250 विथ ABS, यहाँ पे R15 वर्जन 3 द ब्लैक बीस्ट विथ ABS। इस तरफ है यामाहा फेजर वर्जन 3 150cc, ये भी 150cc। द मेन डिफरेंस क्या है, जो मैंने वीडियो में बताया था आरोन वाले वीडियो में, कि एक में है क्रोम फिनिश और एक में है नॉर्मल वाला। अपार्ट फ्रॉम डैट इसमें बेली गार्ड भी है क्रोम फिनिश वाले में, उसमें नहीं है। और ये रहा आखिर में है यामाहा सलूटो, जो ABS के साथ नहीं आता, UPS के साथ में आता है। अभी UPS क्या है पता करना पड़ेगा यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी से। चलिए, अभी भी जो बोल रहा था, मैं यहाँ के कर्मचारी से बात करके पता करूँगा कि UPS का मतलब क्या है। UPS का मतलब है दोस्तों यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ के कर्मचारी से पूछने के बाद पता चला ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने खुद गूगल किया, उसके बाद पता चला कि कर्मचारी सारे बिजी है। जैसे कि अंदर में अभी होने वाला है लॉन्च FZ वर्जन 3 का ऑफिशियली। ये रहा बाइक, इसमें है UPS सलूटो में, यामाहा सलूटो में। और ये वाला ब्रेक जो है, ब्रेक सिस्टम काम करता है कुछ ऐसे कि फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों ब्रेक एक ही साथ में काम करते हैं और एक ही फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि बाइक जो है जल्द से जल्द रुक जाए। तो अभी सिनेमेटिक शॉट के साथ देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। अंदर में लॉन्च इवेंट भी है, लॉन्च इवेंट हो जाने के बाद में टेस्ट राइड करने वाला हूँ मैं यामाहा R15 वर्जन 3 का, जो कि विथ ABS। भल तो एक सब्सक्राइबर मिल गया था। तो एनीवेज मैं टेस्ट राइड करने वाला हूँ यामाहा R15 वर्जन 3 का, जो ब्लैक कलर में है, ब्लैक बीस्ट, थोड़ी देर में। चलिए, तो जैसे कि आप देख सक रहे हो बलून वगैरह वगैरह फलाना डिमका से सजा के रखे हैं यामाहा वालों ने अंदर का पूरा तामझाम स्पेशली फॉर दिस इवेंट। और यहाँ पे आप ये जो तामझाम के बीच में जो कुछ लोगों को देख रहे हो, सारे के सारे जो लोग हैं स्पेशल गेस्ट बुलाए गए थे बाहर से यामाहा की तरफ से। शोरूम का जो ओनर है वो भी मौजूद था इस पर्टिकुलर इवेंट में। पीछे जो ब्लू कलर के मतलब बाइक जो है ढका हुआ है, उसी के ठीक नीचे दो बाइक्स है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद यामाहा R3 2019 मॉडल या फिर MT-15, लेकिन बाद में जाके पता चला कि MT-15 तो रिलीज़ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रिलीज़ होने वाला है 15th of March 2019 को इसी साल, और उसके अलावा शायद से अप्रैल के महीने में आने वाला है यामाहा R3 2019 मॉडल। और ये जो बाइक ढका हुआ है इसके नीचे यामाहा FZ वर्जन 3 ही था। तो 3 बजे बुलाए थे, अभी कितना बज रहा है, 4:30 बज रहा है, और ऊपर से टेस्ट राइड भी लेना था, तो शायद नहीं होगा आज। होगा आज, जरूर होगा। रात को टेस्ट राइड करे क्या फायदा फिर, कोई बात नहीं, रात को भी तो बाइक चलाना है। ठीक है, अंदर ही अंदर महसूस करके बात करके बग देंगे, वो मोटो ब्लॉग में नहीं आएगा, ऐसे मजाक कर आएगा। गौर से देखिए इस इंसान को, इस पापी इंसान को देखिए। मैं आया तो बोल रहा था कि वीडियो नहीं डालते आजकल तुम यूट्यूब में,
तो मैंने बोला डालता हूँ, तो बाद में बोला कि आज सुबह को डाला एक, तो भाई साहब ने चैनल खोला तो मैंने देखा कि सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो कहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा इसको? इसे मिस्टेक देखिए देखिए इस उम्र में मिस्टेक देगा तो किस उम्र में मिस्टेक होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बच्चा समझ के छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए। कच्चा नहीं है, ये बात तो सही बोल रहा, बच्चा है मगर कच्चा नहीं है। आज से सच्चा भी बन जा भाई। A few inches later. तो फाइनली मौका मिल चुका है इस काले बीस्ट को चलाने का। जी हाँ, यह काला बीस्ट, ब्लैक बीस्ट, ABS R15 वर्जन 3 VBA टेक्नोलॉजी के साथ वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। वो R15 स्टिकर काफी धासू है क्योंकि ये क्रोम फिनिश का स्टिकर है और चमक रहा है ये, सही है। जल्दी से नीचे उतारिए, आई एम उतावला, द एक्साइटमेंट की चरम सीमा में है चलाने के लिए। MT-15 15 मार्च। MT-1 এখন লৈ যাওঁ মই পাই গলো। পেট্রোল নেই কিয়া? কিয়া গাড়ি মে তেল নেই কিয়া? আচ্ছা তেল ডালেঙ্গে অভি তেল। ওকে, পেট্রোল ডালনে কা কার্যক্রম খতম হো চুকা হ্যায়। बहुत ही एग्रेसिव। ओके ओके, ओके चलो, ओके ABS का टेस्ट करना जो है ज़रूरी है। अरे भाई, जितने भी R15 के राइडर है, सैल्यूट यू। इतना इस पोजीशन में आप इतना टाइम कैसे बैठते हो? बढ़िया है ब्रेक, थोड़ा सा भी स्किड नहीं हो रहा है। ऊपर से आज का बारिश हुआ था, इसके चलते सरफेस जो है गीला है। परफॉर्मेंस की बात करें, ऑलरेडी चैनल में वीडियो है R15 वर्शन 3 को लेके। इधर में आई बटन आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। एक्चुअली दो वीडियो है, इंडियाज मोस्ट पावरफुल 150cc बाइक बोल के मेरे चैनल में ही है। तो दोनों वीडियो का ही स्पेशली दोनों वीडियो बनाया था मैंने R15 वर्जन 3 के ऊपर। मुझे पर्सनली मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि फुल ऑन ब्लैक कलर में आ रहा है ये। बढ़िया बढ़िया, ABS ने धासु काम कर रहा है ABS एकदम। अभी गीला मिट्टी पे चलाएंगे थोड़ा, कीचड़ उल्फत में। यहाँ पे तो ABS काम नहीं करता, डेट्स आई एम श्योर अबाउट, क्योंकि गीले मिट्टी पे ABS काम नहीं करता बिल्कुल भी। और अपार्ट फ्रॉम गीला मिट्टी, बर्फ़ में चलाओगे तो वहाँ पे भी काम नहीं करता ABS। तो यहाँ पे ब्रेक मार के गिरने का सवाल जो है पैदा नहीं होता है। अच्छा, ये म्यूजिक का अलार्म था स्पीड ब्रेकर का। यहाँ पे एक छेंदा होना चाहिए जिससे हम डायरेक्टली जा सकते हैं यामाहा के शोरूम में। ये रहा छेंदा, ये उल्फत। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, बाइक काफ़ी अच्छा है, ABS है, 150cc है, थोड़ा ओवर प्राइस है लेकिन फिर भी चल जाता है क्योंकि इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा पावरफुल 150cc बाइक कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। ऊपर से ये मैट फिनिश आता है ABS के साथ में। अभी सोने पर सुहागा लग चुका है फॉर डैट रीज़न। क्या देख रहा है भाई तू? खरीद लो, खरीद लो, अगर लेना है, मन है, कमर तोड़ना है तो खरीद लो। आहिलो
চলাই আহিলো ই চলাব এতিয়া মই এতিয়া অলপমান ভিডিঅ' ল'ম মানে সেইটো কাৰণে এনে চিনেমেটিক ল'ম মই বহি আছোঁ আৰু বস ইত্যাদি বাইক চলানা থা মানে চলা লিয়া এফ জি 150 ভার্জন 3 চালানে কা মন থা লেকিন দ্য টাইম উইল নট পারমিট অভি শাম হোনে ওয়ালা হ্যায় তো ইহা তক ভিডিও পছন্দ লাইক আর কমেন্ট জরুর কিজিয়া মেরে চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব জরুর কিজিয়া টিল দেন ড্রিম বিগ বি প্যাশনেট এন্ড অলওয়েজ রাইট সেফ চলে বাই 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 বাই